परदेसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है भाई जान? ठीक ठाक है यार। किधर फेर रहे हैं आप? ट्रेलर जाके देखा आपने? अभी जाएं इंस्पेक्टर बुल्ला का ट्रेलर देखें, वहां लाइक छोड़े और एक प्यारा सा कमेंट छोड़े। और अगर आपने ये चीजें कर ली हैं तो बहुत बड़ा आई लव यू हो गया। अब इसी बात पे छोटा सा डांस हो जाए। बुलाते बता हार्ड, बुलाते बता हार्ड, बुलाते बता हार्ड, बुलाते बता। गाइस थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इतना लव एंड सपोर्ट शो किया ट्रेलर के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा जाके देखें, लाइक और कमेंट जरूर छोड़िएगा। बच्चों ट्रेलर पसंद आया? हैप्पी बर्थडे तेरी। थैंक यू। कितनी उम्र हो गई तेरी? सर 36। ओए तू बैंक हॉलिडे 14 अगस्त कट के सब कुछ कट के तू दस रहे मैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही सर। कितने बच्चे हो गए माशाल्लाह? माशाल्लाह 6 बेटे 1 बेटी 7 और 8 महीने की तैयारी। हेलो गिनती भी नहीं। आठवीं की तैयारी है। ये देख लो इस बंदे दे 8 बच्चे ने माशाल्लाह ते हजे भी मुस्कुरा रहे ते और किन्ने करने ने इंशाल्लाह? कोशिश है टीम बनाने की। कोशिश है कहती है शादी और कर दो। बुढ़ी तो कहना ही है जो तू 8 बच्चे कर ले उन्हें तो कहना ही है और ब्याह कर मेरी जान छाड़। अच्छा गाइस तो आज एक बहुत ही हैप्पी डे है और थोड़ा सा सैड भी है। हैप्पी इसलिए क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर बुल्ला का लॉन्च इवेंट। थोड़ी सी बातचीत होगी, स्क्रीनिंग होगी, दोस्त यार आएंगे, हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन सैड इसलिए क्योंकि मैं आपको इन्वाइट नहीं कर सका। ये एक बहुत ही लास्ट मिनट पे हमने इवेंट रखा है और अगर मैं आप सबको इन्वाइट करता तो क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाता ऑन टाइम। और आपको पता है कि इतनी ज्यादा आवाम को कंट्रोल करना टाइम लगता है, मैनेजमेंट लगती है। लेकिन आप टेंशन ना ले भाई, आपको अपने साथ साथ रखेगा और आपको ऐसे ही लगेगा आज कि आप हमारे साथ वहां पे मौजूद हैं। अच्छा जी तो जिन लोगों ने कहा था कि हमें ग्रे बहुत पसंद है तो आज मैं उनके लिए ये ग्रे सूट पहनूंगा। जो शर्ट है वो मैं ये ब्लू वाली पहनूंगा। यार आजकल मेरी जिंदगी में ग्रे ब्लू बड़ा चल रहा है। और ये है जी मेरे आज के चमकीले चमकीले जूते। यार अगर आप चाहते हैं कि बच्चियां आपको सूंघ के ना फिदा हो जाए आप पे उसका एक ही जवाब है। क्यों बेगम? हाँ जी गाइस तो हम फाइनली घर से निकल चुके हैं। वी आर ऑन टाइम फॉर अ चेंज फॉर अ चेंज और हम बिल्कुल तैयार हैं। बेगम भी बड़ी जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह वैसे खैर है आज सूट पाया। यार क्यों बंदा सूट नहीं पा सकता? सिर्फ व्याह ते पा सकता। हां अक्सर तुसी तो व्याह ते पांदे। गल्ला ला रही हूं बेगम, चेक कर रहे हो जरा आपका हस्बैंड जो है वो लॉन्च होने जा रहा है और वो सूट भी ना पहने। हस्बैंड लॉन्च? खैर लॉन्च बड़ा लॉन्च होने जा रहा है। तू क्या नेकलेस पाया? डैना दा। डैना दा लेडी डैना दा नेकलेस पा के आ गई हूं। अच्छा एनीवेज आज का जो वेन्यू है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए ऑफ कोर्स क्योंकि आई एम अ मूवी लवर। और वेन्यू है क्यू सिनेमा जो कि लाहौर में लोकेटेड है गुलबर्ग में मेन बुलीवार्ड। और ये इतना खूबसूरत सिनेमा है ना यार, मैंने पूरी दुनिया में बड़े बड़े सिनेमाज देखे हैं लेकिन ऐसा सिनेमा यकीन करें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे सिनेमा पाकिस्तान में है। और आई होप कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा जिंदा हो जाए और हमारी फिल्में खूब चलें और सिनेमाज खूब चलें। यार इतनी दफ़ा समझाया था कि इतनी लाइटें ना लगाना, मानता हूँ कि बुल्ला आ रही है लेकिन यार दिस इज़ टू मच। इतनी ट्रैफिक के बाद हम फाइनली वेन्यू पे पहुँच गए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिनेमा बहुत ही हाई लेवल पे बनाया गया है। पंजाब पुलिस बॉयज बुराई के खिलाफ बुल्ला का ठंडा चलता है। बॉस यस बोले तभी धंधा चलता है। बुल्ला देखता नहीं, बुल्ला सोचता नहीं, बुल्ला छोड़ता नहीं, बुल्ला बस ठोकता है। बुराई बुल्ला रोकता है। बुल्ला देखता नहीं, बुल्ला बस ठोकता है। बुराई बुल्ला रोकता है। बुल्ला देखता नहीं, बुल्ला बस ठोकता है।
इंतजाम भारी मुझ पे निजाम भारी ठंड रख थोड़ी तुझ पे मेरा काम भारी ड्यूटी 24 घंटे और तू बस 10 गिन वो तेरे वारंट किया नाम जारी जिसम फुला दी बस आग सी फिला दी बस एक ही फटके में जान सी मुका दी बस नीली लाल बत्ती करती है सीनो तेरे गुंडे आदि सूली युत चांट टंगी चार पंज बंदे काम के नी तेरे हड्डी पसली मैं तोड़ू गुंडे नाम के हैं तेरे इंस्पेक्टर का राज है बुल्ला का ताज है गरीब वशमा जो है हीरोइन है हमारी इंस्पेक्टर बुल्ला की और ट्रेलर में तो बड़ी डायलॉग मार रही थी मुझे है अपने रिस्पॉन्स सो फार माशाल्लाह बहुत जबरदस्त माशाल्लाह रियली रियली हैप्पी यू आर सो हैप्पी आई थिंक पूरी आवाम इस वक्त बहुत हैप्पी है फाइनली बुल्ला आ गई है फाइनली फिर वंडरिंग कि ये बच्चा कहीं देखा देखा लग रहा है कि ये इस बच्चे ने ना चटनी बहुत गिराता है ये बच्चा वहां से बुल्ला स्टार्ट हुआ था बुल्ले ने बचा लिया था तुझे है बुल्ला देखता नहीं बुल्ला बस ठोकता है क्या जज्बात है क्या एक्सपेक्टेशन है ये बताइए क्या ऑनेस्टली इस रूम में एक एक बंदा जो मौजूद है ना आज वो सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की वजह से मौजूद है इनके लिए बड़ा आसान था कि ये YouTube पर ही रहते उसी पे क्वालिटी काम करते रहते और इतने बड़े विजन को लाने की जरूरत नहीं थी लेकिन जब मैं अमार हम राहिम भाई से मिले जाके तो उन्होंने जब अपना विजन हमें बताया कि यार मैं इतनी बड़ी प्रोडक्शन चलाऊंगा और वो भी फ्री में और वो भी YouTube पर सिर्फ और सिर्फ मेरी फैंस के लिए तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बहुत ग्रेट ड्रीम के लिए टीम वर्क बड़ी जरूरी है जो अचीव करना चाहते हो वो टीम के साथ ही होता है तो आई गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू माय टीम उन्होंने बहुत सपोर्ट की माय पेरेंट्स माय सिस्टर्स माय वाइफ माय किड्स प्लीज उनके लिए एक दफा जरा तालियां मुंडा सियालकोटी बिलाल सिंह जी मैं कोई परेशानी होती थी या कुछ मोटिवेशन लेनी होती थी मैं इनके पास पहुंच जाता था और ये ऑनेस्टली मुझे बड़ा और मुझे भी परेशान करते थे मैं रहीम परदेसी का इतना बड़ा फैन हूँ फ्रेंड तो एक साइड एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की स्क्रीन पे आपको नजर आने वाला बंदा ही इज़ द नेक्स्ट हीरो वी गोना हैव इंशाल्लाह और छोटा सा रोल तो नहीं है खैर एक गेस्ट अपीयरेंस मैंने की है कॉमेडी है इसमें एक्शन है इसमें थ्रिल है इसमें लाइफ लेसन्स है फाइट फॉर द राइट है कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा रोमांस सर रोमांस भी है थोड़ा बहुत आने वाले हैं अगर कोई गलती होगी हो तो उन्हें माफी मांग लो कल भी मांगी है ना शिवराज सिंह थैंक यू सो मच शाइन वशमा एंड बिलाल भाई थैंक यू सो मच डर नहीं लगता तुम सच पूछे तो नहीं ट्रेलर देखने के बाद सिनेमा से बाहर आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम कैसा लगा ट्रेलर बहुत अच्छा कैसा लगा ट्रेलर सर कमाल 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 है इट्स गोना क्रिएट हिस्ट्री इंशाल्लाह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जेन्युइन बता नहीं सकता कि इतना बेहतरीन इस बच्चे ने काम किया है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं जो हम पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं वो इसको एक दफ़ा आके जरूर देखें श्याम साहब कैसा लगा ट्रेलर मैं बहुत ज़्यादा इससे जो है इंस्पायर हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आई अप्रिशिएट देम और जो इसके अंदर एक फिल्म फील है वो बड़ी रिच है क्या बात की है आपने बहुत अच्छा लगा और उनकी एक्टिंग लाइक एक्चुअल में बहुत अच्छी है जिस तरह बॉलीवुड मूवीज होती हैं उस टाइप की उनकी एक्टिंग है इज वर्क रियली हार्ड और आई थिंक परदेसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन दिस कंट्री आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एक अच्छा कंटेंट पाकिस्तानियों को देखने को मिलेगा और ये 24 मार्च को रहीम परदेसी के ही यूट्यूब चैनल पर इसका पहला एपिसोड रिलीज़ होगा तो आप सब लोग उसे ज़रूर देखिएगा इसे सपोर्ट करें क्योंकि इसको सपोर्ट करना सिर्फ रहीम या इसकी कास्ट को सपोर्ट करना नहीं बल्कि पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करना है आप कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा अच्छा जी ये तो था फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन अब इंतज़ार है तो आपके रिएक्शन का इंतज़ार है तब जाके मेरी सारी थकावट उतरेगी 24th मार्च आ रहा हूँ मैं प्लीज़ सब्सक्राइब लव यू ऑल ड्यूटी 24 घंटे